और समाजवादी पार्टी के लोक जागरण अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरदोई से कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है। शुक्रवार की रात को हरदोई पहुंचे थे और रात में कुछ करीबी सपा कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद शनिवार की दोपहर कार्यकर्ता प्रति प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे। वहां उन्होंने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक्सप्रेसवे में वो सरकार के खजाने में जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार जहां पर डबल इंजन सरकार बोलती है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी हम लोगों ने देखा है वो चरम सीमा पर है। अगर मैं हरदोई की घटनाओं का ही अगर पढ़ूं, एक बहुत मोटी फाइल है हमारे पास कि हरदोई में कितनी घटनाएं हुई हैं, कभी बेटियों के साथ, कभी महिलाओं के साथ, कभी लूट की घटना, कभी किसी तरह की हत्या जिसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को। और अभी हाल में आपने देवरिया जैसी घटना देखी जहां पर सरकार की नाकामी की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग अगर समय पर एक्शन लेते और जिम्मेदार अधिकारी अगर जिम्मेदारी से काम करते तो शायद देवरिया ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होती। केवल देवरिया ही नहीं, हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी हुई है। एक्सप्रेसवे में